बेटा मैं तेरा निकाह काशी से कर रहा हूं। होने के बाद मैं तो किसी को मुंह नहीं दूंगा, आप और आपकी बेटी देंगे जवाब दुनिया को। का हो गया है, काहे को शोर मचा रहे हो? मजीद भाई, आप का समझ रहे हो? आपकी बेटिया ऐसी रह जाएगी? अरे हम हैं ना, ऊपर अल्लाह ताला है ना, क्या खबर अल्लाह ताला ने बिटिया के नसीब में क्या लिखा है। इस वजह का वो लड़का इधर ना आया है। दो नंबर ये क्या कह रही हो खाला आप? अरे मेरी बेटी का तो घर बसने से पहले उजड़ गया। अरे उसकी अभी डोली भी नहीं उठी थी और उस पर दाग लग गया। तुम तो जानती हो खाला, यहाँ तो अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। अब मेरी बेटी पर तो दाग लग गया है, अब कौन लाएगा उसके लिए रिश्ता? कौन ब्याह कर ले जाएगा उसे खाला? आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम लेके जाएंगे उसको ब्याह के, हमरा कासिम शादी करेगा उससे। कासिम हम ठीक बोले हैं नी? आपका बेटी हमरी इज्जत है, हम इज्जत से ब्याह के ले जाएंगे उसको, अपनी बहू बनाएंगे, हमरा कासिम शादी करेगा उससे। आप अभी के अभी निकाह खां बुलाओ और उसका निकाह पढ़ा दे। खाला बहुत बहुत मेहरबानी आपकी खाला। ये क्या कर रहे हो आप? हमको शर्मिंदा कर रहे हो? अरे काहे हाथ जोड़ रहे हो? कैसे सोच लिया आप लोगों ने मैं उस बेवकूफ काशी से शादी करूंगी? अब्बा जी अभी कैसे कह सकते? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी अभी और इसी वक्त। मैं जाऊंगी लेकिन नहीं करूंगी काशी से शादी। देखो हूर, खुदा का वास्ता मस्जिद हमारे लिए बेइज्जती का बाइस मत बनो। तुम कुछ भी कहो भाभी, कह दिया ना मैंने तो बस कह दिया, मैं फादी के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटा, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा है। अब इस बूढ़े बाप की इज्जत तेरे हाथ में है, या तो तू काशी से शादी कर ले और अपने बाप की इज्जत बचा ले, या फिर उस लफंगे का जोर लगाकर सारी दुनिया में मुझे बदनाम कर दे। अब्बा जी लफंगा नहीं है वो, प्यार करती हूं मैं उसे, मुझे धोखा नहीं दे सकता वो। अरे धोखा नहीं तो और क्या है? पूरी बिरादरी में नाक कटवा दी उसने हमारी। अरे वो तो अल्लाह भला करे खाला और काशी का, जो इस बुरे वक्त में फरिश्ता बनकर हमारे लिए आ गए और हमारी इज्जत को बचा लिया। किसने कहा है उन्हें इतना मेहरबान होने के लिए? आप उस दादी और पोते से कह दें कि ज्यादा तर्स खाने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर। हूर हूं मैं, हूर, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं। बंद कर अपनी बकवास, अब मैं तेरी एक बात भी सुनने वाला नहीं हूं। तुझे तुझे निकल आने पर दस्तखत करने होंगे वरना क्या? अब्बा जी